गिरौर थाना क्षेत्र के ग्राम मही में गुरुवार की शाम को घर पर खेल रही दो वर्षीय बालिका रहस्यमय ढंग से लापता हो गई थी परिजनों ने हर जगह तलाश की लेकिन नाकाम रहे परिजनों ने गिरौर थाना पहुंचकर गुमशुदगी दर्ज कराई थी घर से कुछ ही दूरी पर तालाब है बच्ची खेलते खेलते तालाब में फिसल गई और डूब गई दो दिन बीत जाने के बाद बच्ची का शव तालाब में तैरता मिला प्राप्त जानकारी के अनुसार बच्ची के पिता रिंकू ने घिरौर थाने तहरीर दी थी कि वह अपनी पत्नी संगीता के साथ बाजार में दवा लेने गया था अपने भाई कृष्णा को घर पर छोड़ आया था उसका भाई कृष्णा तीन बजे बकरी चराने खेत पर चला गया था जब रिंकू बाजार कर घर आया तो उसकी दो वर्षीय बच्ची भवानी घर पर नहीं थी काफी तलाश की लेकिन बच्ची का कोई पता नहीं चला परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी घर से कुछ ही दूरी पर तालाब है बच्ची खेलते खेलते तालाब में फिसल गई और डूब गई। दो दिन बीत जाने के बाद बच्ची का शव तालाब में तैरता मिला परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया इन बीस न्यूज के लिए जनपद मैनपुरी से मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट